तो भैया भेजे हुए थे वही पैसा से खरीदे हुए हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है कोर्ट मैरिज कपल ब्लॉग में। तो दोस्तों, अभी दोपहर का 2 बज रहा है और वो बाड़ी में हम लोग झोरा घींच रहे थे। वहाँ पे पूरा सारा झोरा घींच लिए और अभी भिंडी रोपने के लिए जाना है, वहीं पे जाएंगे। तो अभी नहा धो करके हम लोग आए हुए हैं और अभी खाना खाने के लिए जा रहे हैं। तो हम लोग अभी जा रहे हैं, खाना खा के फिर करना होगा वही सबको, फिर रुपाई कर देना। ये वाला सुबह में चिवड़ा भुनी हुई थी शक्ति, तो उसी को खा करके और हम लोग वहाँ पे झोरा घींच रहे थे। अभी शक्ति उधर खाना लगाने के लिए जा रही है, इसलिए लगाई। आज भी माड़ भात है और करेला का भुंजिया, और शक्ति अभी लगा रही है। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाना को लगा लिए हैं यहाँ पे और भुंजिया उधर रखे हुए हैं, और एक ही डूबी था इसीलिए एक ही डूबी में ले लिए हैं। और अभी दोनों खाने के लिए जा रहे हैं, खाइए और जल्दी खा करके फिर अभी काम करना होगा। तो दोस्तों, अभी हम लोग खाना पीना खा लिए और अभी जा रहे हैं वहाँ पे, थोड़ा सा झोरा घींच लेना है। शक्ति अभी बर्तन मांजेगी और यही सब काम है इसका, और ये छोटा छोटा मुर्गी सब इधर रहते हैं ना, वही सब देखभाल करती हैं। और वहाँ पे खट्टी रखी हुई है, वही खट्टी में जा करके आराम से रहती हैं, यही सबको देखती है थोड़ा मोड़ा। और अभी बर्तन मांजने के लिए जा रही है और हम इधर जा रहे हैं। तो हम सारा बर्तन सब निकाल लिए हैं और यहाँ पे रखे हुए हैं। वो है हम लोग जो लकड़ी से जलाते हैं, वो राख बनता है, वही वाला राख हम लेके जाएंगे कुआं में अभी हम लोग, क्योंकि साबुन से नहीं धोते बर्तन धोने वाला साबुन से, इसीलिए वही राख से हम लोग धोते हैं। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं कुआं धोने के लिए। तो हम अभी कुआं के पास पहुंच गए हैं और यहाँ पे बर्तन सब रखे हुए हैं और पानी डाल दिए हैं, फूलेगा इसलिए। तो दोस्तों, यही बाड़ी में सुबह में पूरा झोरा घींच रहे थे और ये बाड़ी को पूरा पूरा दिए, और उधर उधर भी भिंडी रोपा हुआ है और ये सब में भी भिंडी रोपा हुआ है, और मालिक अभी वहाँ पे पानी पटा रहे हैं उधर वाला को, और इधर हमको घींचने के लिए बोले हुए हैं। और ये बाड़ी भी पूरा जुताया हुआ है, पूरा ये वाला कंप्लीट हो गया है जुता करके। यहाँ पे हम डोरा बिछा लिए हैं और अभी जा रहे हैं झोरा घींचने के लिए। यहाँ पे धागा बिछा लिए हैं और अभी घींचने के लिए जा रहे हैं। और क्योंकि दोस्तों नहीं दिखा पाएंगे, शक्ति अभी बर्तन मांज रही है, इसी का कारण आप लोग को घींचते हुए नहीं दिखा सकते हैं। और यहाँ पे हम मोबाइल रख रखते हैं, उसके बाद घींचेंगे, इसीलिए अभी नहीं दिखा पाएंगे। और उधर मालिक साहब वो सब उधर पानी सिंचाई कर रहे हैं। और चलिए अभी हम जल्दी से ये वाला को टांगते हैं। इधर पूरा घींच लिया ये वाला को पूरा अच्छा तरीका से, इधर इधर भी मेरा पूरा कंप्लीट हो गया और इधर साइड में भी पूरा हो गया। और अभी दोस्तों जा रहे हैं लाइट लाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा अंधेरा रहता है, रात को अंधेरा रहता है ना, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो दोस्तों, हम घर पहुँच गए हैं और घर से पैसा ले लेंगे और चलेंगे। और यहाँ पे शक्ति पूरा खाना बना रही है और उधर अभी कहाँ गई हुई है, और इधर साइड में पूरा अच्छा तरीका से मुर्गी सब चल रही है, और वहाँ पे खटिया नहीं लाए हुए हैं तो वो भी लाना है, और ये सब कच्चू सबको भी पटाने के लिए बोले हुए हैं तो इसको भी पटा देंगे। अभी तो फिलहाल उधर मालिक पटा रहे हैं, बाद में बोले हैं कि हमको पटाने के लिए, तो ये वाला को पटा देंगे। और एकदम पूरा भीग के पूरा पसीना हो गया, पसीना वो पूरा भीग गया कपड़ा में। और अभी हम जल्दी से चलते हैं। दोस्तों, अभी उधर शक्ति गई हुई है तो शक्ति के पास पैसा रहता है, मेरा पास नहीं रहता है, तो अभी उसको मांगने के लिए जा रहे हैं। और एक तो भैया दिए हुए थे लेने के लिए, लाइट लेने के लिए, वो भैया का नाम आप लोग को बता देंगे। और अभी पैसा ले लेते हैं, वही निकाल करके उसका अकाउंट में फ़ोन पे कर दिया था, तो वो निकाल करके रख लिए और अभी जा रहे हैं उसका पास। इधर लकड़ी सब चुन रही है ना, इसीलिए अभी उधर गई हुई है, तो जल्दी से हम पैसा ले लेते हैं उसके बाद चलते हैं। और कौन भैया दिए हुए हैं पैसा, वो भी आप लोग को वीडियो में अभी पूरा बताएंगे। घर में पैसा रखा हुआ है, बैग है, बैग में पैसा रखी हुई है, तो अभी जा रहे हैं हम जल्दी से निकाल करके ले जाते हैं। और एकदम काफ़ी शाम भी हो गया और इधर साइड भी पूरा जुताए हुए हैं, तो ये सब में शकरकंद रोपेंगे, वो सब में तो पूरा भिंडी रोपेंगे और करेला। तो अभी हम जल्दी से जाते हैं, और सारा इधर काम है, मुर्गी है सबको घुसाना है, ये खाटी को भी यहाँ पे रखे हुए हैं और इसको भी घुसा देना है, तो हम जल्दी से अभी निकलते हैं। तो दोस्तों, हम पैसा ले लिए और यहाँ पे पैकेट में घुसा लिए और अभी जल्दी से जा रहे हैं, क्योंकि शाम भी हो जाएगा आते आते, इसीलिए अभी जल्दी से हम निकल रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों, हम घर से निकल गए हैं और तालाब का सामने पहुँचे हुए हैं,
और ये वाला है खीजूर का पेड़ का जगह में, इधर से जाना है और यही रास्ता में जाना है। दुकान रोड का बगल में है, रोड से आधा घंटा लगता है जाने में। तो देखते हैं अगर ऑटो मिलेगा यहाँ पे रोड में तो ऑटो से जाएंगे, तो पैदल जल्दी से जा करके लाएंगे। थोड़ा दौड़ेंगे इधर, दौड़ करके और शॉर्ट में जाएंगे। इधर साइड में पूरा एकदम गजाड़ हो गया है, ये वाला सब गड्ढा है, इस सब में पूरा पानी चल रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे पूरा सूख रहा है। और ये रास्ता कुछ इस प्रकार से है, इधर से गाड़ी भी नहीं उठता है, कुछ भी नहीं उठता है, पैदल यहाँ का बाद इधर पैदल जाना होता है। और यहाँ पे अभी मालिक साहब का गाड़ी खड़ा है, यहीं खड़ा कर रखते हैं और वो रास्ता में जाते हैं। तो अभी पटा रहे हैं, इसीलिए ये मोटरसाइकिल से आए हुए हैं और हम अभी जल्दी से इधर से निकलते हैं। यही रास्ता में हमको निकलना है, बस यहीं तक रास्ता था, इसीलिए यहाँ तक गाड़ी खड़ा किया। उसके बाद इधर आता है, यहाँ से यहाँ तक आता है, बस यही स्टॉक है। तो हम अभी जल्दी से निकलते हैं। तो दोस्तों हम इमरजेंसी ले लिए और अभी आ गए, और यहाँ पे लाइन जोड़ने के लिए मालिक साहब बोले हुए हैं, तो यहाँ पे चढ़ करके लाइन जोड़ना होगा। यहाँ पे जोड़ देंगे, उसके बाद फिर चलेंगे। मेरा तो इमरजेंसी हो गया और चार्ज भी इसको देना होगा, इसीलिए यहाँ पे जोड़ दे रहे हैं। और कल बोल उल का व्यवस्था करेंगे, आज नहीं, आज भर जोड़ करके छोड़ देंगे। और यही वाला तार गया हुआ है उधर हम लोग का झोपड़ी तक, वही वाला तार गया हुआ है, जल्दी से अभी चढ़ करके जोड़ देते हैं। तो दोस्तों हम लाइन को जोड़ दिए और वहाँ पोल पे पूरा फिक्स कर दिए, क्योंकि कंज्यूमर बन गया ना, इसीलिए पूरा फिक्स कर दिए, हुक सिस्टम नहीं रहने दिए, वहाँ पे पूरा पोल पे चढ़ करके पूरा फिक्स कर दिए। और अभी मालिक साहब लाइन कटाए हुए थे, इसीलिए चगे हुए थे, नहीं तो लाइन रहता तो नहीं चगते। तो वो बोल दिए कि लाइन कटवा देंगे तो तुम चढ़ जाओ, इसीलिए हम पोल पे चढ़े हुए थे। और यहाँ पे तार लाके बहुत सारा दिए, और अभी बोल और होल्डर ला देने के लिए गए हुए हैं वो गाड़ी से, और हम इधर जा रहे हैं पैदल, हम इधर पैदल जा रहे हैं जोड़ करके। और वो आए और ये तार दे रखे हैं, ये तार और ये लाइट जलाने के लिए हरा वाला दे रखे हैं, होल्डर ये सब में थोड़ा मोड़ा तार काम लगेगा, इसीलिए वो दे रखे हैं हमको। बोल ला देने के लिए गए हुए हैं, और इधर से एकदम पूरा अच्छा तरीका से ऊपर ऊपर से पूरा एकदम वहाँ से होटल से लाइन लाए हैं, होटल का जगह में पोल है वहीं से। और अभी जा रहे हैं हम इधर से देखते देखते, लाइन दे दिए ना तो थोड़ा चेक करते करते जाएंगे, नहीं तो कहीं पे फॉल्ट होगा तो फिर ये सब तार शॉर्ट हो जाएगा, इसीलिए ये थोड़ा डुप्लीकेट तार है ना, इसीलिए। तो ओरिजिनल तार रहता ना मोटा वाला तो कुछ नहीं होता, लेकिन ये पतला वाला है, ये सब लाइट जलाने वाला है। तुरंत में बोल दिए कि अभी ये सब ले जाके जलाओ, इसीलिए हम आए हुए थे, नहीं तो हम इमरजेंसी लिए थे, हम सोचे कि लाइन नहीं आएगा तो इमरजेंसी से हम लोग का काम चल जाएगा। तो वो बोले कि लाइन भी जोड़ देंगे, चलिए ठीक ही बात है कि वो बोले, और लाइन कटा दिए, हम चेक करके जोड़ दिए। और अभी जल्दी से जाते हैं, वो जंगल दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, उसका उधर पार में हम लोग का झोपड़ी है, तो अभी जा रहे हैं जल्दी से हम, और शक्ति भी अकेले है और मुर्गी है, सबको पूरा घुसाना है, तो जल्दी से हम अभी निकलते हैं। दोस्तों हम घर पहुँच गए और ये तार को अभी इधर रख देते हैं, ये तार को यहाँ पे रख दिए, और शक्ति इधर सब्जी बना रही, आलू का सब्जी बना ली है, और ये है चोकर का साग, चोकर का साग बना रही है शक्ति, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है, इसीलिए भून रही। हम उधर गए होते ना शायद यही लकड़ी और ये वाला तोड़ रही थी, और मुर्गी सब इधर पूरा अच्छा तरीका से अभी चर रहे हैं, तो ये सब को अभी थोड़ा देर के बाद घुसा देंगे। और पुती भी पूरा इधर फूटा हुआ पानी सब पट गया, और हम लाइट ले लिए और शक्ति को भी देने के लिए जा रहे हैं, और शक्ति को दे दिया, सुंदर है, खोल के देख रही है शक्ति, और वहाँ पे हम खोल के लाइट जला करके लिए हुए थे, इसीलिए ये वाला खोला हुआ है, कवर खोल दिया है ना। ये वाला चार्जर है, ये वाला चार्ज करने के लिए जला कर, काफ़ी सुंदर है, चला एकदम काफ़ी सुंदर, एकदम लाइट देता है पूरा एकदम इंजॉय कर देगा पूरा लाइट। हम लोग का अब एकदम खाना बनाने के लिए मस्त हो जाएगा, वहाँ पे रख देंगे और ऐसा करके खाना बनाएंगे, और शक्ति को ऐसा सब्जी बनाएगी और हम दिखा देंगे, और सब्जी आराम से बनाएगी शक्ति, अभी पूरा मुस्कुरा रही है। नहीं मुस्कुराएंगे तो अंधेरे में बनाना पड़ता था, इसीलिए नया आ गया है इसीलिए मुस्कुरा रही है, काफ़ी एकदम सुंदर है, और दिखने में भी काफ़ी सुंदर दिख रहा है,
और इसका प्राइस भी थोड़ा कम लिया हुआ है, 3 और 400 का बीच में लिया हुआ है, काफ़ी सुंदर है। चलिए बुता दिया और अभी रख देते हैं, और मालिक साहब तो बोले हुए हैं लाइन भी जोड़ देंगे। हाँ मतलब हम वहाँ पे जोड़ दिए हैं पोल में चढ़ कर, और ये वाला तार दिए हुए हैं वही। हाँ और यहाँ से अभी लाते हैं और यहाँ पे बॉल उल चलाना होगा। और दोस्तों इधर साग सब्जी दे दी सब्जी बनाने के लिए, काफ़ी सुंदर एकदम लगता है, इसीलिए अभी साग दिए हुए हैं हम लोग। और इधर साइड में बैठ करके आराम से मुर्गी भी देखते हैं और सब्जी भी बनाते हैं और लाइट भी ले करके आ गए। अब उतना अंधेरा भी नहीं दिखेगा, साइकिल लाट आ गया है तो अच्छा से पूरा बनाएंगे, साइकिल अंधेरा में डर भी लगता था। पहले थोड़ा सा भी अंधेरा हो जाता था ना तो अच्छा नहीं लगता था, और इधर कुछ भी अगर आ जाएगा तो फिर हम लोग ये वाला लाइट से देखेंगे, और मोबाइल तो स्विच ऑफ हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाता है। ये वाला लाइट हम लोग अपने से नहीं खरीदे हैं, अपना पैसा से, एक तो भैया भेजे हुए थे वही पैसा से खरीदे हुए हैं। हाँ और उसका यूट्यूब चैनल का नाम है जितेंद्रा वीएन ब्लॉग, वही भैया ने हम लोग को पैसा दिए हुए थे, कुछ हेल्प किए हैं और बोले कि भैया आप लोग अंधेरा में रहते हैं झोपड़ी में तो लाइट ले लेना, और वो भी वीडियो बनाते हैं, आप लोग ज़रूर जा करके एक बार देख लीजिएगा जितेंद्रा वीएन ब्लॉग, और उसका फ़ोटो भी डाल देंगे दोस्तों, वो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, उसका भी चैनल में थोड़ा सा जा करके देख लीजिएगा का। और काफ़ी सुंदर हम लोग के लिए गिफ्ट दे दिया, चलिए अच्छा होगा हम लोग के लिए, हम लोग के लिए अच्छा एकदम, लाइन का भी अब जरूरत नहीं उतना है, हम लोग का हो गया। इसका वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों।